क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम डेसिमल नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल के लेफ्ट साइड टू डिजिट चलना पड़ेगा। तो इसमें हमने ये लिख लिया 27। आप इसमें दो डिजिट आगे चलेंगे 1 और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 0.027 आंसर आ जाएगा। अब ये 03 का मतलब 3 है तो इसके डेसिमल के बाद दो डिजिट करना पड़ेगा हमें, तो टोटल आ जाएंगे ये आगा 1 2, ये आ जाएगा 0.003। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब 78 लिख दिया ये हमने पहले, ठीक है। तो इसके बाद कितने डिजिट चलेंगे, टू डिजिट चलेंगे 1 2, तो इसके बाद आ जाएगा डेसिमल, ये आ जाएगा 0.0078। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद डेसिमल के बाद दो डिजिट चलना पड़ेगा तो पहले तो ये लिख लेते हैं 4326, तो 1 2, तो ये आ जाएगा 4.326। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड कितना चलना पड़ेगा, टू डिजिट, तो ये लिख दिया हमने 236 और डिजिट 1 2, तो आ जाएगा हमारा ये 0.0236। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके पॉइंट के लेफ्ट साइड कितने डिजिट चले, 2, तो ये आ जाएगा 0.9853। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, जो भी डेसिमल गिवर है उसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेसिमल में हमें लेफ्ट साइड 3 डिजिट चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा, 3 डिजिट, तो इसमें लिख दिया हमने 79 लिख दिया। अब 3 डिजिट है अपने पास तो टोटल 4 हो जाएंगे ये, तो 1 2 3 4, ये चल पड़े हम 1 2 3, तो आ गया 0.0079। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी तरह पहले इसको कंप्लीट लिख लिया हम 263। अब इसके लेफ्ट साइड हमें 3 डिजिट चलना पड़ेगा तो 1 2, और ये लगा दिया हमने 0, यहां पर पॉइंट आ जाएगा तो लिख दिया 0.0263। अब इसके लेफ्ट साइड पहले तो ये पूरा नंबर ले लिया हमने, 3853 लिख लिया। अब डेसिमल यहां लगा था तो इसके लेफ्ट साइड 3 डिजिट चलो 1 2 3, तो ये आ जाएगा 0.03853। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब इसको पहले तो नंबर को एज इट इज लिख लो। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड कितने डिजिट चले, 3 डिजिट, तो 1 2 3, तो यहां पर अपना डेसिमल आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1289। हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट चलना पड़ेगा, 3 डिजिट चलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 1 1 2 3 और ये 4, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड 3 डिजिट चल रहे, तो ये आ जाएगा 0.0005। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 7 को डिवाइड करना है 3.5 से, तो 7 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 3.5 से डिवाइड करेंगे, तो इससे सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव कर लो, ये आ जाएगा 7/35/10। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 7/10/ कितना जाएगा 35। 7 1 7 7 5 35 5 1 5 5 2 10, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 2 आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 2। अब सेकंड में, अब 36 को डिवाइड कर रहे हैं 0.2 से, तो क्या करेंगे, 36/ कितना हो जाएगा, 2/10। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, 36/10/2, 2 से करेंगे 2 1 2 2 1 2 2 8 16, तो आ जाएगा 180। ये हमारा आंसर आ गया। इसका क्या आ गया, आंसर। अब 3.25 इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 3.25/100, और ये 5/10 आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो 10/5 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 1 5, ये 5 6 30 और 5 5 25, 65/10 आ गया। कितना आ गया, 65/10, इसके डेसिमल लगाओगे तो आ जाएगा 6.5। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उसके बाद
30.94 को डिवाइड करना है 0.7 से, तो इसका डेसिमल रिमूव करो सबसे पहले, ये 94 अपॉन में 100, और इसको जब मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, क्योंकि 0.7 का मतलब 7/10 है, और मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो आ जाएगा 10 अपॉन में 7, 10 से 10 कैंसिल, 7 से कैंसिल, 7 ये आ जाएगा 7 4 जा 28, और 7 4 जा 28, और 7 2 जा 14, तो ये आ जाएगा 442 अपॉन में 10, एक के बाद लगा देंगे पॉइंट, ये हमारा आ जाएगा आंसर। उसके बाद 0.5, तो 0.5 का मतलब क्या है, 5 अपॉन में 10, और जब इस 0.25 है, इसका मतलब क्या है 25 अपॉन 100, और जब मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो 100 अपॉन 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 25, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारा आंसर आ गया इसमें 2। अब नेक्स्ट में इसका डेसिमल रिमूव करो, सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आएगा, इसकी इसका मतलब क्या है 0.25 का 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 25 ये नीचे आ गया, तो 20 से 20 क्या होगी कट होगी। अब इससे 5 से काट दो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 27 हो गए, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल हो रहे, 5 3 जा 15, और 5 1 जा 5, तो ये आ जाएगा 31, ये हमारा आ गया आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट का डेसिमल रिमूव करो, 76, और ये 5 अपॉन में 10 आ गया, और ये आ जाएगा 100 अपॉन में 15, 10 से 10 क्या होगी कैंसिल होगी, अब इसको 5 से कट कर दो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, कितने हो गए 26 हो गए, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, अभी 3 से कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 510, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इसका डेसिमल रिमूव करो सबसे पहले, तो आ जाएगा 378 अपॉन में 10, और इसको जब मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो 10 अपॉन 14 हो गया, 10 अपॉन में 14, 10 से 10 क्या हो गया कट हो गया, अब इसको करेंगे 7 से कर दो इसको, 7 2 जा 14, और 7 5 जा 35, और 7 4 जा 28, 2 से फिर कैंसिल होंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये कितना आ जाएगा 27, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। उसके बाद नाइन्थ पार्ट है, अब इसका डेसिमल रिमूव करो, तो आ जाएगा 273 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन में कितना आ जाएगा 30, अब ये आ जाए अपॉन में 100 था और ये आ गया 10 ऊपर, 10 से 10 कैंसिल, 13 से काटो इसको, तो 13 2 जा 26, और 13 1 जा 13, ये आ जाएगा 21 अपॉन में 10, इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो आ जाएगा 2.1, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 24 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, कहता है कि 24 लीटर पेट्रोल में इतनी डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी कवर करेगा, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, डिस्टेंस कवर्ड इन 24 लीटर पेट्रोल कितनी कवर करता है 43.2 किलोमीटर, फिर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड कितने लीटर पेट्रोल 1 लीटर में कम करेगा, कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड, तो 43.2 को डिवाइड कर देंगे हम 20, ये कितना दे रखा था हमने पास 24 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.8, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 1.8 किलोमीटर। इसके साथ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट।